हेलो व्यूअर्स, कैसे आप लोग? ठीक हैं? सबसे पहले मैं यूट्यूब जितना मेरा फैमिली है सबको मेरे तरफ से प्रणाम। और आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, आज जो थोड़ा सा अलग टाइप का मैं वीडियो बनाऊं, वो वीडियो क्या होगा, जो आइस कोल्ड कॉफी। ठीक है, अभी जो गर्म सीजन आ रहा है इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा है। ठीक है, सो आइस कोल्ड कॉफी बहुत स्वाद होता है, बहुत टेस्टी होता है। और ऐसे कॉफी आप लोग अगर बना के खाएगा दिन में एक बार, तो आप लोग का जो दिन में नींद आता है वो भी आने का बंद हो जाएगा। ठीक है, सो इसे आप लोग को कॉफी बना के खाना चाहिए अपना घर पे भी। ठीक है, अगर ये मार्केट में ये कॉफी का रेट होगा लगभग 150 होगा। ठीक है, सो मैं जैसे कॉफी बना रहा हूँ वैसे आप लोग बना के खाइएगा घर पे, बहुत स्वाद बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, सो चलिए आइस कोल्ड कॉफी कैसे बनाया जाता है, आप लोग को कैसे मेजरमेंट करना पड़ेगा, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो अंतिम टाइम देखना है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखिए मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को गैस को जलाना है। ठीक है, गैस को जला लेना है, उसके बाद एक ऐसे सॉसपेन बैठाना है। ठीक है, जो प्रोसेस मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसमें दूध देना है। ठीक है, दूध जो देना है वो प्योर दूध देना है। ठीक है, अपना लोकल वाला गाय वाला दूध देना है। ठीक है, इसमें पाउडर का दूध बनाने से, अगर पाउडर का दूध भी बना के खा सकता है, लेकिन उसमें स्वाद थोड़ा कमती होता है। अगर जो लोकल दूध होगा सो इसमें टेस्टी और स्वाद बढ़िया होता है। ठीक है, सो पहले आप लोग को दूध को उबालना है। उबालने के बाद दूध जब उबल जाएगा उसको उतार के आप लोग को 10 मिनट के लिए दूध को रखना है, ठंडी होना है थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं दूध बैठा रहा हूँ और आगे जो प्रोसेस है आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने आइसक्रीम 2 ठो लिया है आइस कॉफी बनाने के लिए। ठीक है, आइस कोल्ड कॉफी बनाने के लिए आइसक्रीम ऐसे आप लोग को 2 खरीदना है, मार्केट से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, आइस, ये आइस में 2 ठो लिया है। ठीक है, आइस कॉफी बनाने के लिए, देखिए आइस कोल्ड कॉफी बनाने के लिए ऐसे आप लोग को 2 कप लेना है, जितना आदमी खा सकता है 3 कप, 2 कप जितना है, हम लोग 2 आदमी है इसीलिए 2 कप मैंने ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो गर्म किया था दूध यहाँ पे आधा आधा आप लोग को देना है। ठीक है, ज्यादा मत दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग दूध लेना है, ज्यादा मत दीजिएगा, क्यों ना यहाँ में आइस गिरेगा ना जो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आपको हल्का हल्का ऐसे दूध लेना है। ठीक है, 2 कप ऐसे 2 कप दूध लेना है और थोड़ा सा ठंडी होना देना है दूध। ठीक है, गर्म में आप आइस को मत दीजिएगा, जब दूध ठंडी हो जाएगा उस टाइम आप लोग को आइस को यहाँ ऐड करना है। ठीक है, उसका बाद जो कॉफी को पहले फेंट लेना है। ठीक है, ऐसे मैं गिलास ले रहा हूँ, सफा वाला गिलास लेना है और गिलास में थोड़ा सा आप लोग को दूध ऐड करना है। ठीक है, दूध ऐड करना बाद आप लोग को यहाँ पे कॉफी देना है, ऐसे थोड़ा सा दूध दे दीजिएगा। हाँ, देने के बाद यहाँ पे जो एक गिलास है ना इसमें थोड़ा सा कॉफी ऐड करना आप लोग को। ठीक है, जितना स्वाद अनुसार ही खा सकता है, मैंने 1 चम्मच दे दिया है, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉफी होगा ना इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिन से स्ट्रॉन्ग कॉफी होगा, हम लोग को ज़्यादा नहीं खाना है, हल्का सा कॉफी खाना है। ठीक है, इसलिए मैं हल्का सा दे रहा हूँ। कॉफी ऐड कर दिया है 1 चम्मच मैंने कॉफी ऐड किया है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं खा रहा हूँ, हल्का सा स्ट्रॉन्ग हल्का दे के खा रहा हूँ। ठीक है, कॉफी, सो मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ऐसे फेंटना है, बढ़िया से ऐसे फेंटना है आप लोग को। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कॉफी को पहले आप लोग को फेंट के लेना है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कॉफी मत दीजिएगा, ज़्यादा कॉफी देने से आप लोग को क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मैं हल्का सा कॉफी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसे फेंट के थोड़ा सा टाइम ऐसे रखेगा हम। ठीक है, अभी जो दूध मैंने रखा था कप पे अभी ठंडी हो गया है। ठीक है, ठंडी में आप लोग को देना है, ठंडी हो गया है। अभी देखिए मैं जो आइस है ऊपर से मैं ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे देखिए आइस को आप लोग ऐसे निकालना है। ठीक है, थोड़ा टाइम बाहर रखिएगा आइस टू, नहीं तो क्या होगा आइस टू चिपक जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम बाहर रखने से आइस टू गल जाएगा, गलने के बाद आप लोग को अच्छा होगा निकालने के लिए। ठीक है, मैंने 2 ठो आइस लिया था। ठीक है, डे से 2 कप में मैं 2 ठो आइस दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग वाला। ये आइस ऐसे खाने से आप लोग को बहुत शरीर के लिए अच्छा है। ठीक है, ये देखिए मैंने दे दिया है, देखिए अभी देने का बाद मैं दे दिया है, उसका बाद थोड़ा सा आप लोग को दूध अगर कमती होगा तो थोड़ा सा आप लोग को और दूध ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने का बाद अगर जो आप कॉफी कॉफी दिया था ना, ये देखिए 2 गिलास में
आप लोग को थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी ऐड कर देना है, ठीक है। इसे साइड कर लेना है, थोड़ा सा साइड करके आप लोग को थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी ऐड कर देना है। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे आप लोग को थोड़ा सा ऐसे हिला देना है। कॉफ़ी देने के बाद थोड़ा सा आप लोग को हिला देना है। क्यों ना, दूध में मैं चीनी ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे केसर, देखा है ये आइस कोल्ड कॉफ़ी में अगर थोड़ा सा केसर ऐड करेगा तो उसका स्वाद ही बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने केसर लेके रखा था, ऊपर में थोड़ा सा मैं केसर ऐड कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। ऐसे आप लोग अगर बना के खाने से ये कॉफ़ी बहुत स्वाद होता है, बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। ये आइस आइस कॉफ़ी है, ठीक है, आइस कोल्ड कॉफ़ी बोला जाता है। अभी गर्म का सीजन आ रहा है ना, अगर ऐसे कॉफ़ी आप लोग बना के खाएगा तो बहुत स्वाद बहुत टेस्टी होता है। दिन भर के लिए आप लोग को कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे कॉफ़ी बना के खाने से आप लोग का कोई गैस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, अगर ऐसे कॉफ़ी आप लोग बना के खाएगा घर पर, बहुत स्वाद बहुत टेस्टी होता है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला आप लोग को कॉफ़ी चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉफ़ी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉफ़ी कमती हो गया है तो आप लोग अलग करके ऐड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ऐसे आप लोग गर्म का सीजन में खाने से आप लोग का शरीर के लिए। सो कॉफी का वीडियो अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा मुझे मदद कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट कल न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होंगी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आयो हम।